क्या चक्रव्यूह टूटेगा, फाउंडर्स चक्रव्यूह में क्यों महसूस कर रहे हैं सभी फाउंडर्स की वो चक्रव्यूह के बीच आ चुके हैं, और एस सर और डिल्लन सर और सभी लोग कह रहे हैं कि ये चक्रव्यूह टूटेगा, कितनी हुई तैयारी, इसको लेकर के चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ऑन पैसिव का पूरा रिव्यू करेंगे ये 11-12 मिनट की वीडियो में। दोस्तों वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। क्या है लेट लतीफी का कारण, क्यों वजह बन रही है, क्यों नियत में लोगों के खोट आ जाती है? ऐसा लोग कह रहे हैं कि अगर नियत में खोट है तभी महाभारत का युद्ध हुआ था, और उसमें एक नादान बच्चा जो कि बहुत बहादुर भी था और उसको चक्रव्यूह में किस तरह से फांसा गया, अदरवाइज वो पूरे महाभारत को जीत करके ले जाता। परंतु यह जीत हार नहीं होगी किसी की, यह चक्रव्यूह को तोड़ना है, और चक्रव्यूह तोड़ने के लिए डिल्लन सर भी साथ देंगे और एस सर भी आज साथ देंगे आप सभी फाउंडर्स का, क्योंकि फाउंडर्स अपने आप को अभिमन्यु समझ रहा है। यहाँ कोई किसी को हराने वाला नहीं है, यहाँ सब चक्रव्यूह तोड़ने पर लगे हैं। तो कितनी तैयारी है ऑन पैसिव की इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए, क्यों 2018 से लेकर के आज तक ऑन पैसिव का फाउंडर अपने आप को चक्रव्यूह में महसूस करने लगा है, अब आकर के क्यों ठिटकने लगा है जब अंतिम पड़ाव की ओर है, बिल्कुल तैयारियाँ हो चुकी हैं, कितनी तैयारियाँ हैं, क्या इसमें सत्यता है, इसको लेकर के बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों मैं हूँ यार कमल, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को हिट करना ना भूले। दोस्तों 2018 में ऑन पैसिव स्टार्ट हुआ एक छोटे से कमरे में मात्र दो वीडियो के साथ में, और ये प्लानिंग था मिशन और विजन कि दुनिया को ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करेंगे, दुनिया के अंदर ऐसे सिस्टम को लेकर के आएंगे जो करप्शन को मिटाएगा और लोगों को सस्ती सुविधाओं उपलब्ध कराएगा इंटरनेट जगत में। और अब तो 2018 के बाद मिशन और विजन थोड़ा सा चेंज हुआ, कोर वैल्यू की बात हुई, कोर वैल्यू कितनी चेंज हुई, कितनी बनी और कितनी बिगड़ी है, तो अभी इस समय का जो माहौल है माइग्रेशन शिफ्टिंग चल रही है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, उसके बाद क्या होगा इसको पर्दा जब उठेगा तभी पता चलेगा। फिलहाल हम चक्रव्यूह तोड़ने की बात कर रहे हैं 2018 से लेकर के चले और आज AI के सिस्टम तक पहुँच चुके हैं। ना AI सिस्टम की तरफ पहुँचने के बाद हमारा फाउंडर खुश है, ना उससे पहले खुश था, बस इंतज़ार है तो इस बात का कि ऐसा और डिल्लन सर और इनकी पूरी टीम और जितना 360 के लोग हैं और दिनेश कोटियन, नीरज दलवी, ये जितने भी लोग हैं, KD शुक्ला जी, क्या इस चक्रव्यूह को तोड़ने में अभिमन्यु का साथ देंगे? और अभिमन्यु कोई नहीं है, यहाँ पे फाउंडर है और फाउंडर्स वो खुद भी हैं, सब एकजुट होकर के यहाँ एक चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। कितनी तैयारियाँ हुई हैं दोस्तों ऑन पैसिव में, लगातार आप लोगों के लिए खबर अच्छी बनी हुई है। पहले तो ये कहा जाता रहा कि फाउंडरशिप कंप्लीट हो जाए, क्लोज हो जाए, उसके बाद आपके विड्रॉल शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्ट आ जाएंगे। फाउंडरशिप भी क्लोज हुई, उसके बाद में कुछ प्रोडक्ट भी आया जिसको कि अब सब लोगों ने ट्रायल टेस्टिंग किया, बीटा टेस्ट किया। ओ कनेक्ट को लेकर के सबसे बड़ा गेम प्लान किया जा रहा है कि ऑन पैसिव के अंदर अगर कुछ सबसे बड़ी इनकम दे सकता है वो दे सकता है ओ कनेक्ट, और पूरी दुनिया को ये टक्कर देगा क्योंकि ओ कनेक्ट ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, उसकी तरह जूम की तरह। तो जूम मीटिंग में आप लोग बैठ रहे हैं, कितनी लिमिटेड सीटें होती हैं, उसका चार्जेस कितना होता है इस चीज़ों को, और वो महंगा भी बहुत होता है, इसको लेकर के ऐस के दिमाग में ये सारी चीज़ें ही विचार आया, ख्याल आया कि हम इस चीज़ों पे कुछ और अच्छा कर सकते हो। तो उन्होंने ओ कनेक्ट बनाया, ओ कनेक्ट पर भी हम लोगों ने देखा कि 1 लाख से ज़्यादा लोग एक साथ बैठ चुके हैं, उस पर ट्रायल टेस्टिंग कर चुके हैं, और लगातार हम लोगों ने एक सब्सक्रिप्शन भी दिया, जो सब्सक्रिप्शन था उसको लेकर के बीच बीच में एक्सटेंशन भी दिया गया, और एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे रहा है टेंशन। इस तरह की वीडियो भी खूब बनी और आप लोगों ने वाहवा भी खूब लूटी और अच्छी बातें भी आप लोगों ने की, मगर लगातार आपका पेशेंस नहीं टूटने दिया गया। सभी यूट्यूबर साथियों ने कहीं ना कहीं एक बिग और बिगर बिगेस्ट अपडेट आपको देते रहे, वाओ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे। इन सब चीज़ों को लेकर के आप लोग यहाँ स्थायी रूप से अभी भी बने हुए हो। क्यों बने हुए हो? क्योंकि आप लोगों का प्लानिंग था, आप लोगों को जितना समझाया गया कि ये ऑन पैसिव है, यहाँ पे आना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ जो भी करना ऑन पैसिव ने करना है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, आप कितने पढ़े लिखे हैं ये भी यहाँ पे आने के बाद मायने नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पे जो भी करना है एस ने करना है, उनकी टेक टीम ने करना है, ऑन पैसिव ने करना है। इसी के ख्याल को लेकर के आप लोग आगे बढ़ते रहे और यहाँ देखते देखते 1.4 मिलियन यहाँ पे फाउंडर्स आ गए, और ये फाउंडर्स के साथ साथ एफिलिएट भी बहुत बड़ी संख्या में आज यहाँ होल्डिंग टैंक के अंदर है। आप लोगों ने इसको लेकर के जितने भी
विज्ञापन कर सकते थे या देख सकते थे वो सब आप लोगों ने देखे। बुर्ज खलीफा के ऊपर आप लोगों ने देखा, तकदीर अवार्ड में आप लोगों ने देखा, सुपर कार मजलिस में देखा, दुबई पुलिस में देखा, बर्ड समिट में देखा, जी टैक्स में आपने देखा, और भी कई इस तरह के इवेंट आप लोगों ने देखे। और उन पैसे वहाँ पर गया, छाया रहा, और छाने के बाद में उसका जो विजन था उसने दुनिया के सामने लाया और उसको दिखाया कि हम प्रोडक्ट के माध्यम से कहाँ तक पहुँच चुके हैं, कहाँ तक पहुँचने वाले हैं। दुनिया ने देखा और आप सब लोगों ने देखा, और एक कॉन्फिडेंस भी जब बढ़ा, जब इसका सब्सक्रिप्शन आया, और जब सब्सक्रिप्शन आया तो आप लोगों ने उसको रातों रात हाथों हाथ लिया और रातों रात उसके जो गेटवे था उसको क्रैश कर दिया। उसको क्रैश होने के बाद दोबारा से पेमेंट गेटवे आया और उसके बाद फिर आप लोगों ने क्रैश किया। फिर इसका मतलब ये था कि जितनी बार सिस्टम क्रैश हो रहा है तो उसमें आप लोगों की योग्यता दिखाई दे रही थी और आप लोगों का उसमें डेडिकेशन दिखाई दे रहा था और आप लोगों का समर्पण कि आप उसमें पेड करें और जल्दी से जल्दी आपके पास इनकम आए। ये आप लोगों ने किया, जो जिसको मैंने अभिमन्यू का फाउंडर साथी, आप सब लोगों ने जी तोड़ मेहनत करके अपने पैसे को कलेक्ट किया और यहाँ सब्सक्रिप्शन बाय किया। सब्सक्रिप्शन बाय करने के बाद में पेमेंट का इंतजार किया, पेमेंट गेटवे लगने की बात हुई, उसके बाद में क्रिप्टो में पेमेंट लगाने की बात हुई, बैंक में विड्रॉल देने की बात हुई। सारी चीज़ें धीरे धीरे चली, उठी, गिरी, बढ़ी, आगे बढ़ी और उसमें चेंजेस भी आए। फिर कुछ हर्डल्स आए, उस हर्डल्स की बात हमेशा ऐसा नहीं किए और कई बार सिस्टम के साथ बैठ करके 360 में भी कहा कि मैं नरक से आया हूँ, नरक में जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अपने नियर एंड डियर के साथ विश्वासघात होता, उनको नियर एंड डियर पे फोकस रखना चाहिए, और मैंने शायद उनको बहुत करीब से समझा और उन्हीं लोगों ने मुझे विश्वासघात किया उनके साथ में। तो हर्डल्स किसी ने क्रिएट किए। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ जब कंपनियाँ छोटे स्तर से बड़े स्तर पर पहुँच जाती है, जो इस्टेब्लिश कंपनियाँ होती हैं वो उनको कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश करती हैं, उनके द्वारा भी हर्डल्स आए लगातार। ऐसा भी एस सर ने ही कहा, क्योंकि जो भी अपडेट देते हैं एस सर देते हैं और एस सर यहाँ पे पूरी तरीके से वन मैन आर्मी बने हुए हैं, जबकि किसी भी कंपनी में सभी लोग मिलकर के काम करते हैं। अगर एक उसका सिपा सलार या सरदार किसी तरीके से बीमार हो जाता है या जंग मैदान में नहीं आता है तो बाकी के सिपा सलार तो लड़ते ही लड़ते हैं, और उनके किसी भी व्यक्ति के बैठने से, इंचार्ज के या लीडर के या मैं कहूँ कि बिग बॉस के बैठने से सिस्टम नहीं रुका करते हैं। मगर यहाँ कहीं ना कहीं सिस्टम रुके, जब एस बीमार हुए, हॉस्पिटलाइज हुए, उस वक्त सिस्टम को रोका गया कि एस आएंगे तभी कुछ होगा, जो भी अपडेट आएगा एस सर की तरफ से आएगा। तो क्यों नहीं एस सर इन सब कामों को बांट देते, परंतु वो यही कहते ना कि जब उन्होंने काम को बांटा, लोगों के साथ शेयर किया, तो कहीं ना कहीं उन्हें धोखा मिला, अपने ही लोगों ने धोखा दिया, और फिर कुछ लोग ऑन पैसिव को छोड़ के चले गए या उनको निकाल दिया गया, ये भी ऐसे ही जानते हैं। फिर बात आती है हैदराबाद ऑफिस की इन्फॉर्मेशन को लेकर के कि वहाँ को भी बहुत ज़्यादा लोग रूठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा एंटी हैं। उन लोगों को भी मनाया गया, किस तरीके से उनकी सैलरी की बात आई या जो भी चीज़ें आई थी उसको भी लेकर के एस ने सफाई दी, और सफाई देने के बाद में फिर कहा कि मैं अब पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ मैंने इसको हैंड ओवर कर लिया है अपने हाथ में और अपने कंट्रोल में कर लिया। कंट्रोल में करने के बाद लगातार काफ़ी मीटिंग्स हो चुकी हैं 360 पे भी, ओ रन पे भी, और अभी पिछले दिनों 360 के वेबिनार में भी उन्होंने आकर के इस बात को कहा। और माइग्रेशन शिफ्टिंग बहुत समय पहले स्टार्ट हो गई थी। क्यों स्टार्ट हुई थी? क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन होनी थी, कुछ अपडेट होना था, कुछ ट्रांसफ़र होना था, कुछ शिफ्टिंग होनी थी। इसको लेकर के भी फाउंडर साथी लगातार इंतज़ार ही कर रहे हैं कि अब फंड आएगा, तब फंड आएगा, वॉलेट से पॉकेट तक कितने दिनों में आएगा इसका इंतजार कर रहे हैं। संशय भी कर रहे हैं कि संशय तब तक बना हुआ है जब तक कि माइग्रेशन शिफ्टिंग से पर्दा नहीं हटता, माइग्रेशन शिफ्टिंग जब तक कंप्लीट नहीं होती। और माइग्रेशन शिफ्टिंग कब कंप्लीट होगी ये फिलहाल अभी एस को भी नहीं पता, वो इसको डिस्क्लोज करना नहीं चाहते, अपने इंटरनल इशूज को भी डिस्क्लोज करना नहीं चाहते, और वो इसको भी अभी इसलिए नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं कि उनकी नीतियाँ, उनकी पॉलिसियाँ चोरी हो जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होता है, और ऑन पैसिव की जो लेट लतीफ हुई है वो इसी वजह से हुई कि उनकी पॉलिसीज को चेंज किया गया, लोगों ने कैप्चर किया उसकी, उनके रास्ते में हर्डल्स डाले और या उनकी कॉपी की गई, तो इस तरह से भी ऐसा हुआ।
उन सभी तमाम बातों को लेकर के एस ने लगातार आप लोगों के सामने आकर के सफाई दी, और उस सफाई के बाद में इंडियन वेबिनार जितने भी होते हैं उसमें चांदी और सोने का बरक चढ़ा करके आप लोगों के सामने लाया गया, ताकि आप डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि आप लोगों का मोटिवेशन भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आज की डेट में ऑन पैसिव के पॉकेट तक पैसा आना। तो मोटिवेशन आपको तब तक दिया जा रहा है जब तक आपके पॉकेट तक पैसा नहीं आ रहा। जिस दिन आपके पॉकेट तक पैसा आ जाएगा उस वक्त आपको शायद किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आप सब लोग मिलकर के ये चक्रव्यूह को तोड़ने के बिल्कुल करीब पहुंच जाओगे। जब चक्रव्यूह टूट जाएगा, चक्रव्यूह तभी टूटेगा जब आपकी पॉकेट तक पैसा पहुंच जाएगा, वॉलेट से पॉकेट तक। इसी को मैं चक्रव्यूह कह रहा हूं, क्योंकि लगातार आप बिल्कुल चिंतित है। चिंतित होते हुए बहुत से फाउंडर साथी आज इस दुनिया से अलविदा कह गए ऑन पैसिव के बीच। आज वो नहीं है, मगर उनका परिवार आज कहीं ना कहीं ऑन पैसिव की बाढ़ जो हो रहा है वो भी चक्रव्यूह को तोड़ने के साथ लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरीके से चक्रव्यूह टूट जाए। और बहुत से ज़्यादा लोग इंडियन जितने भी फाउंडर्स वो जस्सी सर को और डिलन सर को सामने टारगेट रखते के बात कर रहे हैं कि कहीं कभी ना कभी डिलन सर ज़रूर बोलेंगे और चक्रव्यूह को तोड़ने में फाउंडर साथियों का ज़रूर साथ देंगे। ये फाउंडर साथी और उग्र ना हो या कोई एंटी एक्टिविटीज़ ना करें, इसके एसर लगातार बार बार आ रहे हैं और बार बार अपडेट भी दे रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी जल्दी हो सके आ जाए पॉकेट तक पैसा, क्योंकि फाउंडर साथी अब उस स्थिति में आ चुके हैं कि वो चक्रव्यूह के नहीं टूटा तो क्या करेंगे। बहुत कुछ डर तो एस सर को भी सता रहा है, ढिलन सर को भी सता रहा है कि फाउंडर साथी शांत क्यों हैं। और जब शांति चारों तरफ होती है तो उसका इम्पैक्ट बैड कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ता है। अभी इंतज़ार भी कर रहे हैं इसको लेकर के भी शांत है, क्योंकि सितंबर जिस तरह से कहा गया है, अगर सितंबर में ये सारी तैयारियाँ नहीं होती, सितंबर को चलो अक्टूबर भी खींच लिया जाए, अगर तब भी कोई तैयारियाँ नहीं होती, पॉकेट तक पैसा नहीं आता है, तब क्या होगा। इस स्थिति को भांपना अब एस सर को भी ज़रूरी है, ढिलन सर को भी ज़रूरी है, क्योंकि चक्रव्यूह में फाउंडर्स है और वो अब इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ेगा ये वो जान चुका है, और उसको क्या करना है आगे का एक्शन अब सभी फाउंडर साथी लेने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा, संयम रखे, धैर्य रखे, साहस आपके अंदर बहुत कूट कूट के भरा हुआ है, क्योंकि 2018 से आपके अंदर साहस बहुत अच्छे से भर दिया गया है और आप मजबूत इस भी बहुत हो चुके हो, मगर मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आप अभी कमज़ोर हो। आर्थिक रूप से आप जो कमज़ोर हो रहे हो, इस आर्थिक रूप की चक्रव्यूह को आप लोग कब तोड़ेंगे, इस चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो के अंत तक आप बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।